माइक्रो स्मॉल और मीडियम टाइप के बिजनेसेस एमएसएमई की कैटेगरी में आते हैं, जिनको बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से अलग अलग बेनिफिट्स और स्कीम्स आती रहती है। लेकिन एमएसएमई के बेनिफिट्स लेने के लिए आपके पास एमएसएमई सर्टिफिकेट होना चाहिए। एमएसएमई सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन बिल्कुल फ्री में बना सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको 2023 में एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाने का कम्प्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एमएसएमई सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको इस पोर्टल पर आना होगा। यही गवर्नमेंट का एकमात्र पोर्टल है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के लिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आपको वेलकम टू रजिस्टर में फॉर न्यू पर क्लिक करना है। इसमें अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे, यहाँ पर नेम डालेंगे जैसा आधार कार्ड पर लिखा हुआ है। इसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी यहाँ डालकर वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड वेरीफाई करना होगा, तो आप टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अगर आप प्रोप्राइटरी है तो आप प्रोप्राइटरी यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अगर पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप सिलेक्ट करेंगे। कोई कंपनी या ट्रस्ट है तो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पैन कार्ड नंबर डालेंगे और पैन वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। आपका पैन कार्ड सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। क्या आपने पिछले साल ITR फाइल किया है? अगर नहीं तो नो करेंगे, और अगर फाइल किया है तो यस करेंगे। अगर आपने ITR फाइल किया है तो कौन सा फॉर्म आपने फाइल किया है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास GST नंबर नहीं है तो इसको आप नो करेंगे, और अगर आपके पास GST नंबर है तो इसको आप यस करेंगे। नीचे आपका नेम आ जाएगा, यहाँ पर आप एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी एंटर करेंगे। इसके बाद कैटेगरी चूज करेंगे, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नीचे यहाँ पर आप जेंडर सिलेक्ट करेंगे। नीचे यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नेम डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर प्लांट या यूनिट का नेम डालेंगे, तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस का नेम डाल दीजिए। इसके बाद एड यूनिट। नीचे आपको लोकेशन डालनी होगी, तो यहाँ पर आप यूनिट सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप एड्रेस फिल करेंगे और एड प्लांट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके यूनिट की डिटेल्स ऐड हो जाएगी। अगर आपका बिजनेस एक से ज्यादा जगहों पर है तो आप उन सभी को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपने ऑफिस का एड्रेस डालना है, तो जिस एड्रेस से आप बिजनेस करते हैं वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर दीजिए। इसके बाद डेट डालेंगे, किस डेट से आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो डेट आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। किस डेट से आपका वर्क स्टार्ट हुआ है वो डेट आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल्स फिल करनी होगी, तो यहां पर आप बैंक का नेम, IFSC कोड और अपना अकाउंट नंबर डाल दीजिए। आप किस तरह का बिजनेस करते हैं वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, और अगर आप फ्रीलांसर है या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो आप सर्विसेज यहां पर सिलेक्ट करेंगे। मेजर एक्टिविटी क्या है, ट्रेडिंग है या नॉन ट्रेडिंग, वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लेंगे। जिस प्रोडक्ट या सर्विस का आप बिजनेस करते हैं उसका NIC कोड आप यहां पर सर्च करेंगे, या फिर आप सीधे सर्विस या प्रोडक्ट का नेम भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। नीचे यहाँ पर इस प्रोडक्ट या सर्विस का 2-डिजिट कोड आ जाएगा। इसके बाद आपको 4-डिजिट कोड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको 5-डिजिट कोड यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद एड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरह से एड हो जाएगा। ऐसे ही आप जितने प्रोडक्ट और सर्विसेज का बिजनेस करते हैं उनको आप यहाँ पर सर्च करके एड कर लेंगे। इसके बाद एड पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पर एड हो जाएगा। आपके पास कितने एम्प्लॉई काम करते हैं वो आप यहाँ पर डाल देंगे, जैसे कि मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, वो आप यहाँ पर डाल देंगे। बिजनेस के लिए प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट पर आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। एमएसएमई के साथ साथ अगर आप इन पोर्टल्स पर भी रजिस्टर करना चाहते हैं तो इन सबको आप यस कर देंगे, वरना नो कर देंगे। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये वेरिफिकेशन कोड डालेंगे जैसा लिखा हुआ है। इसके बाद फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। सभी डिटेल्स आपको सही से चेक कर लेनी है, क्योंकि इसके बाद आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके, आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और साथ ही एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाएगा, ये आपको कॉपी कर लेना है। इसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएगा, इसमें भी आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। अपना सर्टिफिकेट प्रिंट करने के लिए आप यहाँ प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। इसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे। नीचे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, और यहाँ पर आप OTP चूज कर लेंगे। आपको ईमेल आईडी पर चाहिए या मोबाइल
फाइल पर। इसके बाद वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, ओटीपी यहां डालकर वैलिडेट करेंगे। इस तरह से आपके सामने आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। अगर आपको इसमें कोई डिटेल चेंज करनी है तो आप एडिट डिटेल्स पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको अपना सर्टिफिकेट प्रिंट करना है तो आप प्रिंट सर्टिफिकेट पर क्लिक करेंगे। आपका सर्टिफिकेट कुछ इस तरह से दिखाई देगा, प्रिंट पर क्लिक करेंगे इसको प्रिंट करने के लिए। अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं, वरना अगर आप चाहें तो इसको पीडीएफ में सेव कर सकते हैं। ये है आपका उद्यम या एमएसएमई सर्टिफिकेट, जिसको आप प्रिंट करके अपने ऑफिस या शॉप में लगा सकते हैं। सो आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।